Hi guys, welcome back to my channel. It's your Ajay. So, हाल ही में दो तीन दिन पहले एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट इंडिया का जो है कुछ अच्छा डिसीजन लिए है, कुछ अच्छा ऑर्डर पास किए है. कुछ महीने पहले बहुत वायरल हो रही थी कि वीडियो इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी फीडर है, जो भी खाना दे रहे हैं अपने एरिया पे या फिर कहीं पे भी, उन लोग देना मना है करके हाल ही में बोल रहे थे. तो इसका जवाब तो गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हाँ, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, वो फेक न्यूज़ है. जानवर को आप फूड प्रोवाइड कर सकते हैं कहीं पे भी, कभी भी. और इस को पूछने वाला, मतलब कोई भी आसपास आपका पड़ोस पूछ रहा है तो वो पूछ नहीं सकता है. एज़ पर इंडियन गवर्नमेंट रूल, आप फीडिंग कर सकते हैं अपने एरिया का डॉग्स को, या कहीं पर भी आप फीडिंग कर रहे हैं तो आप रेगुलर फीडिंग कर सकते हैं. इसका कोई रोक टोक नहीं है. और गवर्नमेंट ने यही बोला है कि पॉपुलेशन कम करें बाई मीन्स स्टेरलाइजेशन करें डॉग्स का, क्योंकि हाँ, डॉग्स का पॉपुलेशन बढ़ रहा है डे बाय डे. और उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है स्टेरलाइजेशन. इसके लिए एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने स्टेप उठाया है कि स्टेरलाइजेशन करें, नसबंदी करें डॉग्स का. वो हाल ही में अभी शुरू भी होने वाला है, थोड़े दिन में यहाँ पोर्टब्लेयर में भी शुरू हो जाएगा. और सेकेंड बात तो है कि एंटी रैबिस वैक्सीनेशन दे, क्योंकि कुछ डॉग ऐसा हो जाता है कि बहुत पागल जैसा हो जाता है, साइकोटाइप हो जाता है, वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है, जो इंसान मिले उसको काटने शुरू हो जाता है. तो इसको रोकने के लिए एक कैंप शुरू किया जाएगा एंटी रैबिस वैक्सीनेशन का, तो वो भी कुछ दिन में शुरू हो जाएगा यहाँ पोर्टब्लेयर में. तो ये एक अच्छा न्यूज़ है कि मतलब हम जैसे फीडर है, जो डॉग्स लवर है, जानवर का बहुत प्यार करते हैं, हमेशा फीडिंग करते हैं, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं. आसपास का पड़ोस कुछ भी बोल रहा है आपको, कोई भी पब्लिक डिस्टर्ब कर रहा है या फिर एनिमल रिलेटेड क्रूलिटी कर रहा है आप फीडिंग का टाइम, तो आप बिना डरे आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, उनका अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है. सेकेंड पॉइंट तो ये है कि डॉग्स को रिलोकेट नहीं करना चाहिए. मैंने पोबलर में बहुत देखा है, स्टेरलाइजेशन नसबंदी के लिए डॉग कैचर का गाड़ी आता है, पकड़ के तो लेके जाते हैं, मगर उसको वापस वही जगह लेके आके छोड़ते नहीं है यहाँ पोबलर में. हाँ, बहुत सारा स्टेट में ऐसा हो रहा है, मैंने बहुत सारा सोशल मीडिया में देखा है, ऐसा रिलोकेशन कर देते डॉग्स को. रिलोकेशन करने से इसका बहुत डिसएडवांटेज है, बहुत प्रॉब्लम होता है पपीज़ को, डॉग्स को, क्योंकि जो जगह में वो रहता है एक दो साल, तीन साल, जितना भी साल रोज रहता है, वहाँ का जो भी एरिया है वो डॉग्स को पता रहता है कि कहाँ पर फूड मिलेगा, किसका घर पे फूड मिलेगा, कहाँ पर डस्टबिन है, कहाँ से फूड मिल सकता है. और वहाँ का आसपास का जो भी डॉग्स है सबका साथ दोस्ती रहता है, वो मिंगल होके रहते हैं. अब उसको स्टेरलाइजेशन करने के बाद आप उसका रिलोकेट करते हैं तो नया जगह में, आप अगर डेयरी फार्म से डॉग उठाया, अब बाज़ार में उसको रिलोकेट कर दिए, अब बाज़ार का डॉग्स जो भी है, 5 या 10 डॉग्स जो भी है, उसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब उन लोगों को प्रॉब्लम होता है, नया से डॉग्स आ गया तो उन लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, सारे डॉग्स मिलके वो एक सिंगल डॉग्स को काट देते हैं, मार देते हैं, या फिर उन लोगों को ये मतलब फील होता है कि मतलब फूड का प्रॉब्लम होता है, तो उन लोग उसका वजह से क्या है, सारे डॉग्स मिलके वो एक डॉग्स को काट देते हैं. इसका यही रीज़न है कि आप डॉग्स को आप पब्लिक भी रिलोकेट मत कीजिएगा. आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो वो आपका प्रॉब्लम आप अपने तरफ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं. इसका ये मतलब नहीं है कि आप डॉग्स को लिए आप कहीं छोड़ के आ गए. यहाँ अक्सर वही होता है, यहाँ से डॉग्स ले जाते हैं, स्टेरलाइजेशन करते हैं, उसके बाद उसको वही जगह लेके आके नहीं छोड़ते हैं, उसको कार्बिन बुनियादाबाद जो भी जगह है, बुक्साबाद में छोड़ देते हैं.
इसका वजह से क्या है, अभी बुक्साबाद में बहुत डॉग्स हो चुके हैं, बहुत डॉग्स मतलब गिन नहीं सकते उतना डॉग्स हो चुके हैं। अब सारे डॉग्स के लिए वहाँ जो फीडर है वहाँ लेके जाके नहीं दे सकते और वहाँ पे फूड नहीं मिलता है, तो इसका वजह से सारे डॉग्स आपस में लड़ लेते हैं, लड़ के आपस में उन लोगों जान चले जाते हैं लड़ लड़ के, क्योंकि वहाँ बुक्साबाद में जंगल एरिया है, वहाँ पर फूड मिलने का कोई नामो निशान नहीं है, तो इतना अग्रेसिव डॉग्स अग्रेसिव हो जाते हैं कि आपस में ही लड़ लेते हैं। तो आप पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि आप डॉग्स को रीलोकेट ना करें। अगर एनिमल लवर है आप भी फीडिंग कर रहे हैं तो आपका एरिया पे डॉग कैचर का गाड़ी आ रहे है, तो आप उनको बोलिए कि आप प्रॉपरली स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो 3 days या 4 days वहाँ वहाँ रखे रहते हैं उसको चोट ठीक होने तक ऑब्जर्वेशन में। उसका बात क्या है, उसको वापस यहीं लेके आकर छोड़ने बोलिए अपना एरिया पे, क्योंकि वो अपना एरिया पे सेफ रहता है और डॉग्स को पता रहता है। एंड सेकेंड थिंग, आप एनिमल लवर है और आप चाहते हैं कि पॉपुलेशन डॉग्स का नहीं बढ़े और आप स्टेरिलाइजेशन करना चाहते हैं, तो डॉग कैचर का गाड़ी का फ़ोन नंबर आप ले लीजिए एनिमल हस्बेंड्री से। आप फ़ोन करके बोलेंगे तो उन लोग खुद आके पकड़ के लेके जाएंगे, स्टेरिलाइजेशन करके लेके आके छोड़ देंगे। आप ऐसा भी ऑप्शन आप कर सकते हैं। स्टेरिलाइजेशन करने का यही मोटो है कि एक डॉग 5 या 6 या 10 पपी देता है, उसमें से बहुत कम पपी बचता है, 1 या 2, क्योंकि कोई अडॉप्ट करने वाला नहीं है स्ट्रीट डॉग्स को, और जो करता है 1-2 कर लेता है, बाकी सब नाली का आसपास में बच्चा देता है, या वो थोड़ा बड़ा हो जाता है चलने स्टार्ट हो जाता है तो गलती से वो नाली पे गिर जाता है, तो वो पानी का साथ ऐसे बह जाता है। और सेकंड थिंग है कि वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फूड ढूंढ के आता है या अपना माँ के पीछे आता है दूध के लिए, तो वो रोड में गाड़ी दबा के ही उस कुछ पपी मर जाते हैं, तो एट लास्ट 1 या 2 पप्पी बचते हैं। जब पप्पी दुनिया में आता है मरने के लिए आता है तो उससे पहले उसको कंट्रोल कर देते, ये अच्छा इनिशिएटिव रहेगा ना। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टेरिलाइजेशन का सपोर्ट करें, आप डॉग कैचर का गाड़ी को बुला के आप स्टेरिलाइजेशन के लिए हेल्प करें और डॉग्स एंड पप्पीज़ को रीलोकेट ना करें, और डॉग्स और पप्पीज़ को, मदर डॉग और पप्पीज़ को अलग मत कीजिए। कुछ लोग है कि कहीं पर पपी देते हैं तो वो पपी चिल्लाते हैं तो वो आवाज़ मतलब बहुत इरिटेट लगता है कुछ लोगों को, तो उन लोग क्या करते हैं सारा पपीज़ को निकाल के उसका मदर से दूर करके कहीं ना कहीं जाके फेंक के आ जाते हैं, तो इसका वजह से क्या होता है वो पपीज़ को प्रॉपर दूध नहीं मिलता है और वहाँ से वो रोड पर आ जाता है, रोड पर गाड़ी मार देता है, या फिर वो पानी में बह जाते हैं नाली का, या फिर कुछ ना कुछ उसको फूड नहीं मिलने का कारण वो तड़प तड़प के वैसे ही मर जाते हैं कहीं ना कहीं पर। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा इनिशिएटिव लें और जो डॉग फीडिंग कर रहा है रेगुलर उन लोगों को कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, आप कंटिन्यू फॉलो करें, किसी का बात नहीं सुनिए, अगर कोई परेशानी करता है तो आप कंप्लेंट रजिस्टर करिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।